हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक के मनु सर इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आज अपना टॉपिक रहेगा ऑफिशियल लेटर के अंदर कंप्लेन लेटर का, ठीक है ना। अपनी बात करें, कल मैंने आपको बिजनेस लेटर करवाया था लास्ट क्लास के अंदर, आज मैं आपको ऑफिशियल लेटर करवाऊंगा। कौन सा करवाने जा रहा हूँ? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर भी बोला जाता है इसको, और इसको इसके साथ के अंदर क्या है, कंप्लेंट लेटर भी बोला जाता है, कंप्लेन लेटर। कंप्लीट है यहां तक बात अपनी? कोई समस्या? देखिए, अपने एक ऑफिशियल लेटर या कंप्लेन लेटर कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर ये आता किस तरीके से है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बिजनेस लेटर करवाया था, जिसके कुछ टाइप थे वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिए, टीच करवा दिए। अब अपने कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर देखो, एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, सीबीएसई या फिर आरबीएससी 12th क्लास बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आज तक सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। वो देखो किस तरीके के, कौन कौन से क्वेश्चन। मैं यहाँ पे टेम्परेरी राइट कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आता है कंप्लेन करना, ठीक है ना। सभी के अंदर कंप्लेन करना ही होता है, कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, ठीक है। कंप्लेन अगेंस्ट किसकी? पोस्टमैन। पोस्टमैन की मतलब मान लो ये क्या, रेगुलर डाक नहीं देता हो, डाक फाड़ देता हो, समय पर आता ना हो, इस तरीके की कोई कंप्लेन करना। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं अपने। कंप्लीट है बात? ओके, इलेक्ट्रिसिटीज भी बिजली समय पर आती नहीं है, चली जाती है, इस तरीके की कोई शिकायत करना। और थर्ड टॉपिक की अपने बात करें, ये भी कंप्लेन होती है, ठीक है, ये होती है लाउड स्पीकर की, कंप्लेन अगेंस्ट लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर्स, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन आता है अपना कंप्लेन, ये शिकायत करनी होती है, ये किसके अगेंस्ट होती है, ये म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के अंदर होती है, ये होता है इंस्टेंट या इंसेंट्री कंडीशन की बात कर सकते हैं अपने, ठीक है ना। इंस्टेंट्री या इंसेंट्री कंडीशंस, पूर्व स्थिति होती है मोहल्ले की, इस तरीके की। ये चार क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन फोर क्वेश्चन की मार्क्स की बात करें तो पर क्वेश्चन है वो 10 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। आरबीएससी के अंदर देखो, यदि आपका बिजनेस लेटर नहीं आता है तो ऑफिशियल लेटर इन चार में से एक पक्का ही आता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो बुक है, रेनबो बुक है, उनके पीछे साइड के अंदर दिया हुआ होता है, टेक्स्ट भाग है उनमें से, और पेपर भी आपको पता है कि बुक्स में से ही बनकर के आते हैं। कुछ बच्चों के सस्पेंस रहता है कि सर अपने लेटर कहां से पढ़े, कहां से आएंगे, कुछ टीचर्स उनको बताते भी नहीं है। या आप टेक्स्ट बुक है वो बेटर तरीके से कंप्लीट कर लो, उसके बाद के अंदर आपको कोई भी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स गो, चलो अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने किसके बारे में, मैं आपके क्वेश्चन उठा लेता हूं, जैसे कि कंप्लेन अगेंस्ट लाउड स्पीकर, ये पेपर के अंदर आया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये तो सिर्फ मैंने टॉपिक बताया है, अब मैं पूरे क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन की बात करने जाऊं तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसका बढ़िया तरीके से देखो, इसमें आएगा कि इमेजन, ठीक है, इमेजन, इमेजन का अर्थ होता है कल्पना करो, ठीक है। इमेजन दैट यू आर हरीश, इमेजन दैट यू आर हरीश, मान लो कि आपका नाम क्या है, हरीश या हरीश बांबू है, ओके, यानी कंप्लीट है। लिविंग इन नोहर, आप कहां पे रहते हो, लिविंग इन नोहर, ये नोहर है, ये आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, भी आप नोहर रहते हो, ठीक है। और उसके बाद के अंदर बात करें कि राइट ए ऑफिशियल लेटर, राइट ए ऑफिशियल लेटर, आपको एक क्या करना है, एक विभागीय पत्र लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट।
आपका जो जिला है उसके किसको, कलेक्टर को, समझ में आएगी ना। कंप्लेन अगेंस्ट दी लाउड स्पीकर या यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कंप्लेन या कंप्लेनिंग अगेंस्ट दी, ठीक है, यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर, यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, किसके दौरान, एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। ये देखिए इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इमेजिन करो कि आपका नाम हरीश है, ठीक है, और आप कहां पर नोहर के अंदर रह रहे हो, आपको एक ऑफिशियल लेटर राइट करना है अपने जिले के कलेक्टर को। अब देखो ये सेकंड एड्रेस है, ये दे दिया इसने, कलेक्टर को करना है राइट, कंप्लेन करनी है किसके बारे में, अगेंस्ट यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, भी आपके पेपर के जो दिन है वो बिल्कुल पास में है और इस समय आपके क्या है वहां पर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाउड स्पीकर वो होता है जो तेज आवाज के अंदर डीजे बजता है, डीजे वाले बापू मेरा गाना चला दे, गाना सुना होगा आप लोगों ने, है ना, इस तरीके से आजकल तो काफी फेमस फेमस सॉन्ग चलते हैं, ठीक है, सरारा वगैरह वगैरह इस तरीके से, तो वो गाने जो चलते हैं उनकी यदि आप रात्रि को 10 बजे के बाद में यदि बजाओगे तो याद रखना उसकी कंप्लेन है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में की जा सकती है। यदि आपको कोई परेशान करता है 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर यूज होता है आपके बाजार के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके लोकलिटी के अंदर, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, या तो आप तहसील सत्र पे कर दो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट सत्र पे करना चाहो तो कलेक्टर को कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर नहीं यूज कर सकते। ओके, गॉट इट। चलो अब इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो अब देखो मैंने आपको चार लेटर बताए हैं, वो चार लेटर सिर्फ उसकी बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की जो बॉडी है उसको छोड़ करके और लेटर सेम टू सेम रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरीके से आपको करवाने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अब रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल भी अब आपको क्या है रट्टा नहीं लगाना है। कंप्लीट है बात यहां तक। चलो अब देखिए आगे, इसके लिए हमें सबसे पहले रूल ये होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग, फिर मैं आपको रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन को याद रखना आप लोग, ठीक है। अब मैं एक लेटर स्टार्ट कर रहा हूं, यही लेटर, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा है उन चार में से मैं एक करवा देता हूं। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं सेल्फ का एड्रेस लिखना पड़ता है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप जैसे लिख सकते हो वार्ड नंबर, ठीक है, आपका वार्ड नंबर जो भी है 07 ओल्ड रेलवे स्टेशन, और ये आपका कहां है नोहर के अंदर है, समझ में आ गया ना, ये आपका क्या हो गया सेल्फ एड्रेस हो गया, अभी खुद का एड्रेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ये लो। उसके बाद में आपको दिनांक लिखना है, जो करंट डेट है वो डालनी है, जैसे मैंने लगा दिया 8th of March 2021। उसके बाद में आपको सेकंड एड्रेस लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा, ये बात याद रखना। इसके अंदर देखो सिर्फ नोहर दिया था, जो मैंने नोहर राइट कर दिया, ये प्रश्न पत्र में दिया हुआ था लिविंग इन नोहर, तो मैंने नोहर राइट कर दिया, ऊपर आप अपनी मर्जी से बना देना। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, आप एग्जामिनेशन के अंदर चाहे एड्रेस फर्स्ट लिखो चाहे सेकंड लिखो, तीन लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रूल होता है इसका। आप यदि तीन लाइन से ज्यादा यदि आप एड्रेस बना दोगे तो वो फिर आप रॉन्ग माना जा सकता है, इस बात को भी अपने भेजे में रखना। ओके, अब देखिए आपने फर्स्ट एड्रेस लिख दिया, उसके बाद में आपने डेट डाल दी, अब आपको लेटर, हम कौन सा लेटर कर रहे थे, अपने लाउड स्पीकर वाला कंप्लेन करनी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, तो उसके लिए देखो अपने क्या करेंगे, उसके लिए अपने क्या लिखेंगे, लाइन छोड़ करके दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहां नोहर किस में आता है, हनुमानगढ़ जिले में आता है, ये लो हनुमानगढ़, ये लो मैंने हनुमानगढ़ लिख दिया, कंप्लीट है, दो लिख सकते हैं आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दो लाइन। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे आपको पता होगा, बताओगे आप लोग क्या लिखेंगे, बताइए आप गेस कीजिए, मैंने पहले भी लेटर करवाए आपको, सब्जेक्ट लिखेंगे या डियर सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, हाँ गेस कीजिए आप लोग आराम से, बढ़िया तरीके से गेस कीजिए, फिर मेरे को बताओ आप, सोचो आप कि क्या होगा, क्या आएगा, सोच लिया होगा। चलो देखिए अब
इसके बाद में हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट राइट करेंगे, क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट राइट किया जाएगा। मुझे बार बार कैमरा देखना भी पड़ता है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सब्जेक्ट के अंदर वही लिखेंगे जो मैंने आपको डाला था, कंप्लेन या कंप्लेनिंग अगेंस्ट किसके था, लाउड स्पीकर था, ठीक है। तो अगेंस्ट किसके कर देंगे, लाउड स्पीकर अगेंस्ट क्या कर देंगे, लाउड स्पीकर राइट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद के अंदर हम लिखेंगे डियर सर या फिर मैडम का प्रयोग करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, ये बीच के अंदर अपने बॉडी ऑफ लेटर राइट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बॉडी ऑफ लेटर राइट किया जाएगा। बॉडी ऑफ लेटर के अंदर देखो कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो बॉडी ऑफ लेटर के अंदर एक लाइन आप सेम टू सेम रख देना, उसके बाद के अंदर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेना, मैं कुछ पीडीएफ डाल दूंगा उस तरीके से आपको राइट करनी है, एक मैं आपको बोर्ड पे अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ओके गॉट इट। कोई भी लेटर आ जाए कंप्लेन वाला उसके अंदर आपको एक लाइन तो जरूर लिखनी है, क्या लिखनी है ये ध्यान से देखो, मैं, ठीक है ना, आई ड्रा योर काइंड, आई ड्रा योर काइंड, ठीक है, अटेंशन, मैं आपका ध्यान क्या कर सकता हूं, केंद्रित, मैं आपका क्या, मैं आपका ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, टू दी न्यूशंस, टू दी न्यूशंस, न्यूशंस होती है बाधा, ऑफ लाउड स्पीकर, बला बोल जिसको बोलते हैं अपने, क्या बला आ चुकी है, ऑफ ए लाउड स्पीकर, ऑफ ए लाउड स्पीकर इन आवर लोकलिटी, इन आवर लोकलिटी। ये लाइन मैंने जो राइट की है ध्यान से देखो इस लाइन को, ये लाइन जो राइट की है आप यहां टू तक, मे आई ड्रा योर काइंड अटेंशन, आप लोग क्या है टू तक लिखने के बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट आप यहां पे डाल दिया करो। ये लाइन तो सभी ही कंप्लेंट लेटर के अंदर आप लिख सकते हो, मे आई ड्रा योर काइंड अटेंशन टू, उसके बाद में आपकी जो है वो आप हेडिंग है वो या फिर आपका सब्जेक्ट है वो डाल लो, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद के अंदर आपको जो बॉडी ऑफ लेटर है, लेटर की जो बॉडी है वो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हो, नहीं बनानी आती तो डोंट वरी, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पीडीएफ डाली हुई है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो मैं लाउड स्पीकर वाले की बना रहा हूं, बिल्कुल जनरल इंग्लिश के अंदर सामान्य, इसी जो नॉर्मल फिफ्थ क्लास का या सिक्स क्लास का बच्चा उसका ट्रांसलेट कर सकता है, इस तरीके की बना रहा हूं, ध्यान से देखो, दीज आर डेज ऑफ इलेक्शन और मैरिज, ठीक है, दीज दीज आर डेज ऑफ इलेक्शन और मैरिज, ठीक है। आज के जो दिन चल रहे हैं वो या तो वोट के हैं या फिर किसके चल रहे हैं, वोट मतलब समझ गए होंगे आप लोग, या तो इलेक्शन के चल रहे हैं और या फिर साथ के अंदर किसके चल रहे हैं, शादियों के दिन, द लाउड स्पीकर। तो इस अवसर के ऊपर क्या है, लाउड स्पीकर, इस अवसर के अंदर क्या किया जाता है, जो लाउड स्पीकर है वो आर यूज्ड एट हाई पिच, लाउड स्पीकर्स कर सकते हैं अपने, समझ में आ गया ना, लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड टू, ठीक है ना, आर यूज्ड टू या फिर यूज्ड एट, ज्यादा ज्यादा बेटर एट रहेगा, तो अपने क्या करेंगे, एट हाई पिच भी काफी तेज आवाज के अंदर क्या किया जाता है, लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, द लाउड स्पीकर आर यूज्ड एट, क्या किया मैंने, एट हाई पिच कर दिया, हाई पिच मतलब ऊंची आवाज के अंदर, वैसे हाई पिच मतलब एक तेज गति के अंदर बोला जाता है इसको, माय डियर स्टूडेंट्स। तो दे मेक आर या फिर दे मेक आवर लिव, लाइव मतलब रहना, दे मेक आवर लाइव, ठीक है, मिसरेबल, दे मेक मेक आवर लाइव वो हमारा जीना उन्होंने क्या कर दिया, दयनीय कर दिया, मिसरेबल का अर्थ होता है, मिसरेबल का अर्थ होता है दयनीय स्थिति, मतलब उससे हमारी जो स्थिति है दयनीय हो जाती है, मतलब चिड़चिड़ा हो चुकी है एक प्रकार से, अपने बात करें तो स्पेशली, ठीक है ना, किसी
स्पेशली की बात करें, स्पेशली मतलब है विशेष रूप से, स्पेशली की बात करें तो क्या होता है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इट इज डिफिकल्ट फॉर किसके लिए, स्टूडेंट्स। एक मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूं, साथ माय स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए एक बार, ओके हाँ सही है, स्पेशली इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट बन रहा है, मतलब जो स्थिति है वो काफी कठिन उत्पन्न कर रहा है, बिकॉज क्योंकि दीज आर दी डेज ऑफ एग्जाम, इसको नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर राइट कर देता हूं, ऊपर वाला मैटर मैं डिलीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप, पहले मैंने एड्रेस लिखा है और दिनांक लिखी है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं मैं उसको, साथ में सेकेंड एड्रेस को भी कर दिया मैंने, ओके क्या चल रहा था अपने, इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए काफी ये कठिन समय है या कठिन है, बिकॉज दीज आर दी डेज, बिकॉज दीज आर दी डेज, क्योंकि अब ये जो दिन है वो किसके चल रहे हैं, दिनों की बात करें किसके चल रहे हैं, ऑफ एग्जाम, जैसे आप लोग, आप लोगों के जो दिन है वो अभी एग्जाम की तैयारी करते रहो, कोरोना काल है और इस कोरोना काल के अंदर आपके एग्जामिनेशन सरकार कभी भी करवा सकती है, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट के भरोसे भी मत रहना, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ठीक ओके। अब क्या ये विद्यार्थियों के लिए क्या है, ये जो दिन है वो एग्जाम के हैं, एग्जाम वाले दिन आ चुके हैं, तो इसके ऊपर आपको पता है एग्जाम के जब दिन होते हैं तो लाउडस्पीकर बजता है, तो हमें हमारी जो स्टडी है वो बेटर तरीके से हो नहीं पाती है, क्योंकि फिर आपके मन के अंदर भी रिंगटोन बजने लगती है, ठीक है ना, गॉट इट। अब क्या है कि इट इज आल्सो डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज आल्सो डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट और भी है भाई, किसके लिए है, फॉर द ओल्ड पर्सन, फॉर द ओल्ड पर्सन, बूढ़े जो लोग हैं, ठीक है ना, पुराने लोग नहीं है यहां पे, पर्संस कर देते हैं, ठीक है, बूढ़े जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्या बन रही है। आपने घर में नोट किया होगा कि आपकी दादी है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, तेज वाली आवाज के अंदर जब आप बात करते हो तो वो आपको मना कर देते हैं कि जोर से मत बोलो, ठीक है ना, पटाखे जब बजाते हो तब उनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, क्रैकर्स जब आप यूज करते हो उस समय, ओके। आई होप, मैं ये सोचता हूं या सोचती हूं कि यू विल कंसिडर द मैटर, कंसिडर द मैटर, आप इस विषय के ऊपर क्या करोगे, चर्चा करोगे भी, मैं ये सोचता हूं या सोचती हूं कि आप इस विषय के प्रवेश से सोचता हूं, यही होगा क्योंकि क्वेश्चन में हरीश आया था, ठीक है ना, ओके। कंसिडर द मैटर कि आप इस विषय के ऊपर क्या करोगे, चर्चा करोगे, और एंड टैक प्रॉपर, टैक मिस लेना, ठीक है, एंड टैक मैक, ठीक है, या टैक प्रॉपर भी कर सकते हैं, राइट, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक प्रॉपर एक्शन, ठीक है, प्रॉपर एक्शन टू प्रोवाइड, एक्शन टू प्रोवाइड, आप क्या करोगे, जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करोगे और अश्रिलीफ और हमें राहत दिलाओगे, ठीक है, फ्रॉम द न्यूसेंस, इस बाधा से, इस समस्या से, फ्रॉम द न्यूसेंस, और अंत में लिख देना थैंकिंग यू, ये सभी लेटर के अंदर आता ही है, आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंकिंग यू, और अंत में क्या लिख देंगे, योर्स फेथफुली, कोई भी लेटर आ जाए, बिजनेस हो चाहे कंप्लेन, उसके लिए अपने को योर्स फेथफुली का प्रयोग करना पड़ेगा, और आपका जो एग्जामिनेशन में जो नाम दिया है वो नाम आप क्या कर दो, राइट, ये आपका क्या हो गया, एक लेटर हो गया, ध्यान से देखिए इसको। अब ये लाउड स्पीकर का एड्रेस लेटर तो मैंने आपको करवा दिया है, अब बात आती है कि सर आपने दो चार टॉपिक और बताए थे, उनके कैसे करेंगे, तो उन लेटरों की मैं बात करूं तो वो उन लेटरों के, सबसे पहले तो मैं उन लेटरों के नाम बताता हूं, एक बार फिर से बताता हूं या, ठीक है ना, कि वो लेटर कौन से थे, उनकी बात करेंगे अपने, इसको आप बढ़िया तरीके से देख लो, स्क्रीन शॉट लेना तो वो भी ले सकते हो आप, गॉट इट। हाँ, मैंने लेटर लाउड स्पीकर का बताया था, जो तो मैंने ये आपको मैंने करवा दिया, समझ आएंगे ना।
अब कंप्लेंट अगेंस्ट किसकी बात कर रहे थे, अपने कंप्लेंट या कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, पोस्टमैन की जब शिकायत करने वाला पत्र आ जाए तब हमें सेकंड एड्रेस क्या लिखना है। पेपर में आ जाए तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तब देखना आपको लिखना है द पोस्टमास्टर हेड ऑफिस कर देना आप लोग, द पोस्टमास्टर हेड ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस जयपुर, ठीक है। ये लो, हेड पोस्ट ऑफिस की जगह आप सब पोस्ट ऑफिस का भी प्रयोग कर सकते हो भाई, जैसे आप लोकल के हो ग्रामीण क्षेत्र के तो आपकी सब डिविजनल भी होती है। ये तो हो गया पोस्टमैन वाले के लिए, कंप्लीट है बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए, ठीक है, किसके लिए, कंप्लेन या कंप्लेनिंग, एक ही बात है माय डियर स्टूडेंट्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हमने बात करें तब क्या करेंगे, दी एस डी ओ, ठीक है ना, दी एस कैपिटल डी कैपिटल ओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ये पीडब्ल्यूडी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ गया, ये एस डी ओ के अंतर्गत आता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना और नीचे लिख देना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और ये आपका जो हेड होता है उसका नाम लिख देना, जैसे मैंने यहां पर हनुमानगढ़ लिख दिया है, ये लो, ओके। और तीसरा कौन सा था, तीसरा इंसेंट्री कंडीशन वाला था, ठीक है ना। चलो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्लेनिंग या कंप्लेन अगेंस्ट इंसेंट्री, है ना, हाँ इंसेंट्री, क्या था, इंसेंट्री कंडीशन, गंदी स्थिति दयनीय स्थिति मोहल्ले की, उसके लिए आपको पता है कि मोहल्ला साफ करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है, वैसे तो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपने को करना पड़ेगा द चेयरमैन, द चेयरमैन म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, कमिश्नर, और ये आपके एरिया का होगा, ये लीजिए, ये मैंने आपको एड्रेस करवा दिया भाई, ठीक है, और जो लाउड स्पीकर वाला था वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब करना क्या है, इस पर कभी भी कोई लेटर आ जाए तो सबसे पहले आप एक काम करना, खुद का एड्रेस लिखना, उसके बाद के आप क्या करोगे, खुद का एड्रेस लिखने के बाद में आप दिनांक लिखो, फिर आप ये सेकेंड एड्रेस, यदि इन पिन में से कोई एक आता है तो डेफिनेटली इनमें से एक आएगा, याद रखना इस बात को, ये एक आप एड्रेस राइट कर देना, यदि इस पोस्टमैन का आता है तो ये राइट कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का आता है तो एसडीओ वाला कर देना, और इंसेंट्री कंडीशन का आता है तो दी चेयरमैन म्यूनिसिपल कमिश्नर नोर, ये राइट कर देना, कंप्लीट है। वैसे एग्जामिनेशन के अंदर आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से यदि लिखा हुआ ना आए तो आप इस तरीके से कर देना, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद के अंदर आपको किसका प्रयोग करना है, जो सब्जेक्ट और डियर डियर सर और सब्जेक्ट, इनका प्रयोग करना है। उसके बाद के अंदर आपको मैंने एक लाइन बताई थी, आपको याद होगा थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने बोला था कि मैं आई ड्रा योर काइंड इंटेंशन टू, ठीक है, या टू वर्ड्स, उसके बाद के अंदर आप ये सब्जेक्ट राइट कर देना जिसके बारे में आपको लेटर राइट करना है। उसके बाद में बॉडी, इन लेटरों की, ये तीन लेटरों की बॉडी है, बॉडी ऑफ लेटर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद के अंदर आपको थैंकिंग यू यूवर्स फेथफुली और खुद का नाम जो पेपर के अंदर आए वो राइट करना है। तो कैसी लगी माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप आगे आपको कौन सी क्लास चाहिए उसके बारे में भी आप मेरे को बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ओल्ड वीडियोज देखने के लिए ऊपर आइकन है उसको आप क्लिक करके ओल्ड वीडियोज भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।